नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल डीबी मल्टीटेक पे। दोस्तों, अगर आपकी SBI पे बैंक अकाउंट है और आपकी बैंक अकाउंट पे आपने इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा ले रखा है, तो आप जब भी इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ओनली व्यू राइट्स मिलता है, यानी कि आप आपकी प्रोफाइल जाकर ओनली ट्रांजैक्शन वगैरह स्टेटमेंट ये सब देख पाओगे। कुछ भी ट्रांजैक्शन इंटरनेट बैंकिंग पर नहीं करने को मिलता है। अगर आप फुल ट्रांजैक्शन लेना चाहते हो आपकी नेट बैंकिंग का, या आपकी स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हो, या ऑनलाइन 15G फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो, तो आप इंटरनेट बैंकिंग पर एक ऑप्शन है उसको एनाबल करके आपकी नेट बैंकिंग का फुल राइट ले सकते हो। ये कैसे होता है मैं आज आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। अभी आपको आना होगा ऑनलाइन SBI। ऑनलाइन SBI ओपन करने के बाद आपको पर्सनल बैंकिंग चूज करना होगा। इधर लॉगिन बटन पे क्लिक करें। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आपको कंटिन्यू लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इधर अपना यूजर नेम पासवर्ड देन कैप्चा डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करें। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, वही OTP आपको इधर पुट करना होगा। OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपकी डैशबोर्ड खुल जाएगा। अभी आपको ऊपर से बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सीधा क्लिक करना होगा रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी बटन पर। इधर क्लिक करते ही आपकी रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज पे बहुत सारा ऑप्शन है, आपको सीधा आना होगा अपग्रेड डाउनग्रेड एक्सेस लेवल। अभी हमको इसी टैब पर क्लिक करना होगा। इधर क्लिक करते ही आपको एक मैसेज दिखाई देगा, यू डू नॉट हैव एनी अकाउंट टू अपग्रेड द एक्सेस लेवल। क्योंकि मैंने मेरा अकाउंट का फुल ट्रांजेक्शन लेके रखा है, तो इसलिए ये मेरे को मैसेज आ रहा है कि आपकी अकाउंट पे कुछ अपग्रेड करने का अकाउंट नहीं है अभी। तो आप जब भी फर्स्ट टाइम आपकी इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये अभी मेरा डाउनग्रेड एक्सेस लेवल पे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी फुल ट्रांजेक्शन ले रखा है, ये इधर आप देख सकते हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करोगे तो आपको इधर ऑप्शन दिखाई देगा अपग्रेड एक्सेस लेवल। तो आपको सीधा क्या करना होगा, आपकी अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर देना होगा और इसी बॉक्स पे देखिएगा आपको लिखा आएगा लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट्स अदरवाइज व्यू ओनली। आपको कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिलेगा। अभी आपको क्या करना होगा, आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट पे सिलेक्ट कर देना होगा। सिलेक्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट फुल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और आप सभी को ऑनलाइन पे मनी ट्रांसफर कर पाओगे। और भी कई फीचर्स इसी इंटरनेट बैंकिंग पर अवेलेबल है और आप सभी ऑप्शन को एक्सेस कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपकी SBI नेट बैंकिंग का फुल ट्रांजैक्शन राइट देने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह नया नॉलेजफुल टेक वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।